पोलिंग होने के बाद जो तमाम ईवीएम मशीन है वो पोलिंग स्टेशन से स्ट्रांग रूम तक पहुंचे, और स्ट्रांग रूम में सुरक्षा की किस तरह से तैयारियां हैं, क्योंकि 4 तारीख को सभी बक्से खुलने हैं। देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो गाइडलाइंस हैं उनको हमने मद्देनजर रखते हुए जो हमारे स्टोरेज सेंटर हैं और काउंटिंग सेंटर हैं सभी पे पैरामिलिट्री और लोकल पुलिस की व्यवस्था कर दी है, उनकी नियुक्ति कर दी है। तो ईवीएम को लाने और ले जाने में जो भी हमारे प्रोटोकॉल हैं उसका पालन किया जाएगा ताकि सुरक्षित ढंग से मतदान संपन्न हो सके। सर, इसके अलावा सवाल ये है कि अब कुछ ही दिन बचे हैं 25 तारीख को, और अक्सर हम चुनावों में देखते हैं कि आखिरी टाइम में वोटर्स को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जाती है अलग अलग माध्यम से, चाहे वो सोशल मीडिया हो या फिर फिजिकली हो, तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे सर? देखिए, दिल्ली पुलिस ने इसके लिए एक साइबर क्राइम मॉनिटरिंग सेल बनाया गया है चुनावों के मद्देनज़र रखते हुए। अगर हमें कोई ऐसी शिकायत आती है कि वोटर्स को सोशल मीडिया के ज़रिए या फ़ोन के ज़रिए इन्फ्लुएंस किया जा रहा है तो उसकी जो इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन स्पेशल साइबर ब्रांच के द्वारा की जाएगी और उसके लिए अलग से नोडल ऑफिसर नियुक्त किया गया है।